अच्छा हिरण है, वो देखो वो देखो देखो देखो, मुंह कर रही मुंह कर रही मुंह कर रही। जय भोले, जय शिव शंभो, हर हर महादेव। हेलो जी, वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत और अभी हूं मैं श्री बद्री विशाल में बद्रीनाथ धाम में। यहां से अभी अपन निकलने वाले हैं सीधा ऋषिकेश के लिए। भैया मूड हो गया तो बीच में अगर रुक जाएंगे, बाकी देखा जाएगा जहां तक अपनी जान जाएगी, जान जाएगी इन द सेंस भैया जहां तक हालत होगी, कोई गलत मत लेना, जहां तक अपनी हालत होगी वहां तक जाएंगे और वहीं पे अपन आज रेस्ट कर लेंगे और फिर कल की वीडियो में आपको ऋषिकेश और हरिद्वार को एक्सप्लोर कराएंगे। हरिद्वार में घूमेंगे, रिवर राफ्टिंग भी करने की कोशिश करेंगे, बंजी जंपिंग तो भैया अगर जान चले तो कर लेंगे, बाकी कोई गारंटी नहीं है कोई। हाँ कमेंट कर देना अगर मुझे बंजी जंपिंग के नाम के 50-50 कमेंट भी मिल गए ना, मैं पक्का बंजी जंपिंग कर लूंगा, गारंटी से करूंगा। बाकी अभी निकलते हैं श्री बद्रीनाथ धाम से भैया, यहाँ पे अच्छे से अपना दर्शन भी हो गए भगवान के, माणा विलेज तक भी घूम के आ गए। बाकी अभी यहाँ से निकलते एकदम से रेडी वेडी हो गए, सामान वामान भी पैक हो गया है, आपको मिलते सीधा बाइक पे। अपना लगेज वगैरह जो सारा सेट हो चुका है, अब बस निकलते हैं यहाँ से सीधा अपनी आगे की जर्नी के लिए और बाय बाय करते हैं इस खूबसूरत सी जगह को। मिलेंगे जब भी कभी भगवान बुलाएंगे अपने को यहाँ तब। और बाकी ये इधर ना पे 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 ये कब से बता रहे 10 मिनट से इधर घूमे जा रहा है, बिना बात के घूम रहा है गोल गोल। हाँ जी, तो फाइनली अपन बद्रीनाथ से निकल रहे पेट्रोल पंप पे मत्था टेक के, भगवान के मत्था तो अपन शाम को टेक के आ गए थे। अब बस यहाँ से निकलते सीधा आगे की जर्नी की तरफ। भैया खाना वाना कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय निपटाई है, चाय सुबह से अभी तक अपन ऑलमोस्ट जो है 6-7 तो प्लस निपटा चुके और अभी रास्ते में और भी निपटने वाली है बहुत सारी चाय वाय। तो बाकी यहाँ से निकलते प्यारी प्यारी सी बातें करते करते अपनी आज की जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। बाकी ऊपर की तरफ आपको पहाड़ तो दिख ही रहा होगा भैया कितना ऊंचा, और उस तरफ जो है पूरा स्नो का माउंटेन है, उस पर पूरी स्नो जमी हुई है और इस तरफ भी। यहाँ पे ना अभी ठंड थोड़ी सी कम है, मतलब 2 दिनों से कम है बेसिकली, ज़्यादा दिनों से कम नहीं थी, 2 दिनों से थोड़ी सी ठंड यहाँ पे कम है क्योंकि धूप अच्छी खासी निकली हुई है। चाहे भगवान की इच्छा थी हमको बुलाने की या हमारा लक अच्छा है, नहीं भगवान की इच्छा होगी इसीलिए तो हम यहाँ पर आ पाए। बाकी अच्छे से अपना दर्शन भी हो गए, लाइन वाइन कुछ भी नहीं थी भैया, आराम से 15-20 मिनट में हमारे दर्शन भी हो गए थे। बाकी तो लाइन लगती है भैया आधा 1 किलोमीटर लंबी। अगर आपको वीडियो या पूरी सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से प्लीज़ जय बद्री विशाल ज़रूर से लिख देना। ओके सर। वैसे आप मेरे को मेरी अभी तक की पूरी लाइफ में ना 2 बार पुलिस वालों ने रोका है, पहली बार बद्रीनाथ में आते टाइम और दूसरी बार में बद्रीनाथ से जाते टाइम। तो चलो अब भैया ठंड को एंजॉय करते करते आराम से प्यार से शांति से धीरे धीरे से आगे से निकलते हैं भैया। बाकी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से जय बद्री विशाल बद्रीनाथ की जय ऐसा ज़रूर से लिख के जाना भैया, ये भाग मत जाना। जिम कौन बनाता है बिल्कुल एज पे, उस तरफ भाई साहब गहरी खाई है, आदमी अगर नीचे गिर जो गया ना खत्म है, कुछ नहीं बचने वाला भाई साहब ऐसे रोड पे, वो भी ओपन जिम बना रखा है उस तरफ, ना तो बाउंड्री है ना कुछ है। अरे राम वो देखो गजब, अच्छा वो देखो ग्लेशियर जमा हुआ कितना प्यारा लग रहा है, और इसके जस्ट आगे वाले पहाड़ पे ग्रीनरी देखो भाई साहब, गजब की ग्रीनरी है इस पे। बाकी पहाड़ों पे इतनी ग्रीनरी नहीं है बट इस पे जो बड़ी मस्त वाली है और बड़ी प्यारी भी लग रही है। जी तो एक बार फिर से आ चुके हैं उसी खतरनाक डेंजरस जगह पे भाई साहब, जहाँ पे जान हथेली पे आ जाती है चलने में। ओ भाई गजब, निकलो भैया निकलो फटाफट यहाँ से निकलो। वैसे ऐसा इतना भी कुछ नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत डर तो लग ही जाता है भैया। अभी तो आगे और आएगा आपको, मैं और दिखाऊंगा क्योंकि आप में से बहुत से नालायक ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने आने वाली वीडियो तो देखी होगी नहीं, सीधा यही पार्ट देख रहे होंगे। अच्छा ये देखो पुलिस वालों की गाड़ी भी टो हो सकती है, SDM की गाड़ी है ये तो अपन क्या है, वैसे टो नहीं हुई होगी भैया, खराब वराब हो गई होगी फालतू का, और पता चला यहाँ से कोई वीडियो देख रहा मेरे को पकड़ रहे पुलिस वाले। जय गौ माते, कृपया एक साइड में चले जाते बहुत ही अच्छी बात हो जाते, जय हो। जगह पे कौन रोकता है भैया गाड़ी क्या गजब आदमी है यार बस वाला,
मैं निकला आगे। जी खतरनाक जगह पे गाड़ी रोक रहा है, जहाँ पे फट के हाथ में आ जाए। चलते चलते क्या ही लक था ना अपना, अपने को एक डियर दिखी है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी छोटी सी, इस पत्थर के पास में देखना। ओ भाई साहब क्या ही मस्त मजा आ गया देख के उसको। अच्छा हिरण है, वो देखो मुंह कर रही वो देखो, वो नीचे आ गई यहाँ पे। भाई साहब कितना दूर है मैं ऐसे बताता हूँ आपको, इतना दूर है इस रोड से हम चल रहे हैं भैया, और जाते जाते इस नदी के उस साइड में इस आदमी ने इसको देख लिया। वैसे आप आगे आधा किलोमीटर जाके फिर से रिटर्न आए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखा है हमको। मेरे को नहीं दिखा, इसको दिखा था वैसे, क्योंकि इसके चार आंखें लगी हुई है, दो तो ओरिजिनल और दो चश्मे के नाम की लगी हुई है। भाई साहब जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, इतना यह आगे मेरे को 10 मिनट लगे उसको देखने में कि वो किस जगह पे, और इस बंदे ने इतना दूर से चलती बाइक पे देख लिया। बाइक चल रही होगी 80-90-85 पे, गजब है यार गजब। जब मानना पड़ेगा इस बंदे की आंखें तो है गजब की आंखें, थू थू नजर ना लग जाए किसी की। वैसा बट जेन्युइनली ना मजा आ गया इतना अच्छा देख के। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिखी कहाँ पे। भाई साहब ये देखो यहाँ पे हाइट देखना, ये देखिए भाई साहब गजब गजब, बिल्कुल एंडलेस हाइट है भाई साहब, गजब की ऊंचाई है। रवि भाई कल अपन कितने डीप जंगल से आए ना, कल अपन इतने डीप जंगल से आए कुछ भी नहीं दिखा, और आज भाई साहब चलती रोड पे अपने को कुछ ना कुछ दिख गया, कुछ ना कुछ क्या हिरन दिख गई ये रही। भाई साहब पानी देखो कितना मस्त तरीके से चल रहा, मजेदार। ओ भाई साहब मजा आ गया, एक तो हिरण जो है वो ये रही, ठीक है आपको दिख रही होगी हल्की सी खाती पीती, और दूसरा जो है ये जो ये जो चट्टान कहाँ दिख गया, ये जो चट्टान दिख रही ना इसके जस्ट नीचे है। ओ भाई मजा आ गया। अच्छा आपने हिरण देख लिया होगा, एक तो वहाँ पे और एक जो है वो वहाँ पे, शायद से नेकेड आई से मेरे को थोड़ा ज़्यादा बेटर दिख रहा होगा, आपको कैमरे में इतना क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी जितना दिखा आपको दिखाया भाई साहब इस बंदे की वजह से, इसको थैंक यू लिख देना और दो गालियां इसको कमेंट में लिख के जाना कि इसने पूरे 10 मिनट यहाँ पे ख़राब करवाए अपने। ना ना भैया इसको इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, रवि के सैन करके इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, क्या ना मिलेगा भाई, हाँ हेलो लिख देना मेरे भाई को। और मेरे को भी लिख देना नलाई को, निशांत आमटा अंडरस्कोर सर्च करके मैं मिल जाऊँगा। भाई साहब इस तरफ से जो आ रही है वो अलकनंदा नदी है, और उस तरफ से जो आ रही है वो धौली गंगा है, और यहाँ से इनका संगम होता है और आगे अलकनंदा ही रहती है। अच्छा ना इसी मिट्टी में नहाते नहाते चल रहा हूँ मैं, हाय राम क्या ही गजब की हद से ज़्यादा वाली मिट्टी है ना यहाँ पे। फाइनली अपन आ चुके हैं उस ढाबे पे या उस रेस्टोरेंट पे जहाँ पे अपन कल रुके थे, आज भी अपन वहीं पर रुकेंगे भैया, फुल मूड है अपना वहीं पर खाने पीने का। देखो पेंट खत्म हो चुका। हाँ जी तो फाइनली अभी आते टाइम अपन ने जहाँ पे खाना वाना खाया था निपटाया था वहीं पे खाना वाना खा के अभी फिर से निकल चुके हैं। अच्छा खासा घंटे भर का अपन ने ब्रेक ले लिया था भैया, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है, बिना बात के भागने का भी कोई मतलब नहीं है। तो बाकी अब मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर में आगे की तरफ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 2-3 दिनों से जो गीत गा रहा हूँ ना, ये फ्लावर वाला पेड़ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। फाइनली इसकी जड़ें ढूंढने के लिए हमारा आदमी देखो यहाँ से उतर के नीचे गया किसी के पर्सनल खेत में। कहीं ना कहीं तो मिलेगी, दो तो मिले हैं इसके बीच, और मिल जाएंगे तो भैया मैं तो उठा के लेके जा रहा हूँ। और बाकी अगर ये आपको पेड़ दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये जो है ना अंजीर का पेड़ है, अगर आप छोटे छोटे से ऊपर अगर आपको दिख रहे हो तो ये अंजीर लगी हुई है ऊपर। हाँ भाई मिल गए, बस बहुत हो गया। तो इसकी एंट्री पे दोनों तरफ ये जो फ्लावर के पेड़ है ना, मज़ेदार से लगते हैं भाई साहब, मज़ेदार गजब के लगते हैं। और नीचे जो नदी है वो उसमें पानी चलता रहा, इधर तो कम दिख रहा है, उधर कहाँ से ज़्यादा आ गया भैया। मैं आपका हार्दिक स्वागत है, अभी इंटर हो चुके अपन कर्णप्रयाग, सॉरी एग्जिट हो चुके अभी अपन कर्णप्रयाग से। बाकी कर्णप्रयाग भी भैया बड़ी सिटी है, मैं सोच रहा था शायद से छोटी सिटी होगी, बट एक्चुअली में बहुत ही बड़ी सिटी है। यहाँ पर वैसे श्री कर्ण का मंदिर भी है, बट अभी वहाँ जाना तो पॉसिबल होगा नहीं भैया, क्योंकि टाइम जो है अपने पास थोड़ा सा लिमिटेड है, और इस बार वाली अपनी ट्रिप जो है वो भी बहुत ज़्यादा ही लंबी है, और ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी अब तो।
हाँ जी, तो आपको सामने की तरफ तारे टिमटिमाते हुए छोटे छोटे से दिख रहे होंगे, कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे ये रुद्रप्रयाग है और यहीं पे शायद से आज अपन स्टे करने वाले हैं। इससे आगे जाने की इच्छा नहीं हुआ क्योंकि अंधेरा हो चुका है और थोड़ा थक भी गए भैया। आज रेस्ट करने की इच्छा है क्योंकि इतने दिनों से पहाड़ों पहाड़ों में चल चलो ना थक चुके हम थोड़ा ज़्यादा ही। भाई साहब रुद्रप्रयाग देखो लाइटें कितनी प्यारी लग रही है ना यार, गजब की एक नंबर। वाह मजेदार ना। हाँ जी, तो फाइनली अपन ने रुद्रप्रयाग में आके रूम ले लिया, ठीक ठाक सा डिसेंट सा रूम है क्योंकि यहाँ से अपने को सुबह 6 बजे निकलना है। शायद इसी वीडियो को अपन कंटिन्यू रखेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो अभी अपन रेडी हो चुके हैं उसी झंडे को कंटिन्यू करने के लिए। आज जो है अपन सीधा यहाँ से ऋषिकेश के लिए जाएंगे। ऋषिकेश पहुंच के भैया वहाँ पे ऋषिकेश को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। हल्का सा जुकाम हो गया भैया, नाक वाक जो है वो जाम हो चुका है, बट एनीवे ठीक हो जाएगा ये। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, सामान वामान जो अपना लोड हो रहा है फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा। हाँ जी, तो अभी निकल चुके हैं अपन रुद्रप्रयाग से और आगे आके भैया एक चाय निपटा ली है अपन ने। बट आज ना हल्का हल्का सा जुकाम तो हो गया है, बट आज इतने दिनों बाद बिना जैकेट बिना स्वेटर पहने चलने में ना इतना मतलब अजीब अजीब सा लग रहा है क्योंकि लास्ट के 7-8 दिनों से भैया कंप्लीट जो है जैकेट वैकेट पहन रखे थे, 2-2, 3-3 लेयर डाल रखी थी और आज बिल्कुल सिंगल लेयर में चल रहे टी शर्ट में, मतलब अजीब ही लग रहा है, बिल्कुल अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है, लग रहा है ना कुछ सूना सूना सा है। वैसा ये देखो धारे का पानी आ रहा है, मतलब नेचुरल पानी जो आता है ना पहाड़ों से वो आ रहा है और इसको किस तरीके से सेट कर रखा है और कितना प्यारा लग रहा है ना देखो तो। वाओ, तो भैया अभी आ चुके अपन देवप्रयाग संगम पे। आते टाइम अपन जब जा रहे थे तब देखा था तो उस नदी का पानी वो हल्का सा मटमैले कलर का था और अभी जो दोनों का पानी देखो सेम कलर का हो गया। पहले जो पानी था वो कुछ ऐसा था। ये देखो शायद से आपको दिख रहा होगा, जाते टाइम में उस नदी का जो पानी था वो पूरा गंदा पानी था, एकदम कीचड़ कीचड़ टाइप का, और अभी जो देखो दोनों का एक जैसा कलर हो गया। वाओ, ये कैसे हो गया भैया ये हमको भी नहीं पता, बट ठीक है हो गया जो हो गया देख लो। जब ये एक और पोहे का कबाड़ा पत्ता गोभी जय भोले जय शिव शंभो हर हर महादेव। भाई साहब ये भी अच्छा बना रखा है वैसे। भाई साहब कच्चे सुखाने की निंजा टेक्निक कच्चे सुखाने की निंजा टेक्निक आपको शायद दिखी होगी। हाँ जी, तो फाइनली ऋषिकेश में आके अपन ने होटल ले लिया। यहाँ पे आ गए ऑलमोस्ट टाइम जो है भैया 12:30-1 बजने आ गई है। अभी यहाँ पे एकदम से नहा धो के फ्रेश वेश होते फिर निकलते हैं अपन सीधा ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि टाइम अपने पास थोड़ा सा कम है। यहाँ पे शायद से अपन आज या कल तक के लिए ही है, इतने से टाइम में अपने को पूरा ऋषिकेश एक्सप्लोर करके यहाँ से निकलना है। बाकी यहाँ पे रूम कैसा आपको फटाफट से मैं दिखा देता हूँ। वहाँ से रूम शुरू हो रहा है, ये वॉशरूम है, ऐसा कुछ रूम है जो टीवी वो हम देखेंगे नहीं। इस तरफ जो है बालकनी, वो मैं आपको बाद में जब टाइम मिलेगा तब दिखा दूंगा। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मैं आपको त्रिवेणी घाट की आरती दिखाने वाला हूँ और भी बहुत सारी जगह जो यहाँ पे अपन एक्सप्लोर करेंगे, राम झूला लक्ष्मण झूला। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। नोटिफिकेशन कैसे आएंगे अगर आप बेल आइकन को ऑन करेंगे तो प्लीज ये भी कर देना, आप वीडियो को लाइक करके जाना, इससे चैनल की थोड़ी सी रीच बढ़ जाएगी, आपके कोई चार्जेस वार्जेस नहीं लगेंगे। तो प्लीज भूलना मत करके जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।